أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أن قَد جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله <سؤال> وأطيعون إن الله <سؤال> ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله <سؤال> وبركاته नहमतन रसूल करीम मम्म फ़ाऊलबिनिम बसमिल्लर रबरा सदरी वसरली अमरी वाहल़दत मिल्लसानी याफ़ा कऊली रबाना जिदना आमीन मेरी प्यारी बहनों हम सुर आल इमरान की आया नंबर फोटी सेवन तक हमने सैंतालीस तक पढ़ा था जिसमें यह हमने पढ़ा था कि हज़रत मरियम एक कवारी लड़की थी और अल्लाह सुबहान ने उनको मोजसे के साथ और अपने कलम कन के साथ यानी कल्मा कन का मतलब है अल्लाह ताला जब किसी चीज़ के लिए कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है और ये कि अल्लाह ताला जो दुनिया में अल्लाह ताला ने ही रूल ऑफ नेचर बता बनाया हुआ है अल्लाह सुबहाना तैाली उसके मोहताज नहीं है अल्लाह ताला जिस तरीके से जब चाहें वो काम कर सकते हैं तो अल्लाह ताली ने हज़रत ईसा को बिन बाप के पैदा किया और ये अल्लाह तला का मोचा था अच्छा आगे अब हजरत ईसीम के सारे आ रहे हैं कि उनको अल्लाह तला ने क्या मेरिकल्स दिए थे और क्या खसूसियात दी थी ठीक है ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि उनको पता हो क्योंकि मोस्टली हमारा क्रिश्चियंस के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है और उनके सवालत होते हैं उन उनकी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना होता है अगर हमारे बच्चों की या हमारी अपनी कन्फ़्यूजन्स क्लियर नहीं होंगे तो हम उनकी क्या क्लियर करेंगे तो इसलिए हमको भी पता होना चाहिए कि सूर्य आले इमरान में अल्लाह एक जगह पर हज़रत सलाम के मुज़ात का ज़िक्र किया हुआ है और क्या है वो आया नंबर फोर्टी एट से इनशाला शुरू करेंगे आउदबीशर बसम व्यमू और वो सिखाएगा उसको यानी अल्लामा युअल्लिमु तालीम का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ को सिखाना तो अल्लाह ताला सिखाएगा हज़रत ईसा सलाम को अल किताबा किताब का इल्म अल्लाह सुभान व तआला उनको हिकमत दे सिखाएगा यानी किताब की एक्सप्लेनेशन व तौरात व इंजील और तौरात और इंजील सिखाएगा अब आप देखिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब छोटे से बच्चे ही थे तो एक तो वो बहुत खूबसूरत लिखते थे तौरात को अपने हाथ से और फिर ये कि तौरात के इल्म और उसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर उनका अबूर बहुत ज़्यादा था कि जब कोई यहूदी आलिम किसी बात पर आपस आप में यहूदी उलिशते तो आप यानी हज़रतसी तौरात की ज़ुबानी हवाले दे देकर कर उनको कायल करवाते और उनको चुप करवा देते यानी उनकी जहानत के ऊपर वो हैरान रह जाते थे और अल्लाह सुबहान ने उनको इस चीज़ के ऊपर मलक दिया था यानी मलक का मतलब है अथॉरिटी दी थी कि वो उनको याद भी थी और वो सही जगह पर सही वक्त में मसला निकाल कर यहूदी उलमा को बता भी दिया करते थे दैट इज़ हम और अल्लाह ताला क्या कहते हैं अब वैसे मैंने आपको क्या बताया कि तौरात का क्या मतलब होता है लॉज ऑफ शरिया ठीक है ना और इंजील का मतलब खुशखबरी अच्छा अगली आयत क्या है व रसूलन और एक रसूल इला बनी इसराइल तरफ बनी इसराइल के आम, रसूल का रूट लेटर क्या है रोसिन लाम रिसाला किसको कहते हैं पैगाम ठीक है तो रसूल क्या होता है पैगाम लेकर आता है आम, अन्नी और वो कहते हैं कि बेशक मैं हज़रत ईसा कहेंगे कि बेशक मैं क़द तहक़ीक अब ये कद का वर्ड जो है ना ये आ, कन्फर्मेशन के लिए आता है ठीक है ना कि पक्की बात है हक बात है तस्दीक शुदा बात है जी तू कुम जी तू मैं आया हूँ जी जीम या हमज़ा इसका रूट लेटर है जी तू मैं आया हूँ कुम तुम सबके पास ब्यातिन एक निशानी के साथ मर कुम तुम्हारे रब की तरफ से आया का रूट लेटर हमजा या या है मर रबि कुम तुम्हारे रब की तरफ से और अब अल्लाह की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और अब फिर अपने मौजे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कौन से मौजे दिए हैं अन्नी बेशक मैं अन्ना और या है की है बेशक मैं अखलूको, ख़लम कौफ़ ख़ल किसको किस को कहते हैं बनाना क्रिएट करना मैं बनाता हूँ लकुम अब ये जो खालिक का वर्ड है ना ये अल्लाह सुबहान तौला की ज़ाद के लिए भी इस्तेमाल होता है और अगर दुनिया में को कोई चीज़ किसी चीज़ को बनाता है तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ हो सकता है जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं अखलको मैं बनाता हूँ ठीक है ना तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूज़ हो सकते हैं इस तरह मैं बनाता हूँ लक़म तुम्हारे लिए मिनतनी का या नून इसका रूट लेटर है और तीन कहते हैं गीली मिट्टी को का है आ का मानंद हैई आ हैयत किस को कहते हैं शक्ल को कहते हैं ना हैयत हम कहते हैं ना इसकी हैयत क्या है उर्दू में भी यूज़ करते हैं हाँ या हमजा तो हैतरी मानंद शक्ल की अतैैर एक परिंदे के तयर ताह फ फ़िर अन नून नोन फ़्वा नफ़ा खा, खा किस को कहते हैं फूँक मारने को ठीक है ना हम कहते हैं ना नफ़ सूर होगा सूर में पूक मारी क़यामत से पहले तो ये नफा का वर्ड आया फ अनफ़ो फिर मैं फूँक मारूंगा जब किसी भी वर्ब से पहले यतान में से कोई भी लेटर आ जाता है या ता, अलिफ और नून इन में से कोई भी लेटर आ जाता है तो वो उसको मुदारे बना देता है यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस बना देता है ठीक है तो अनफो मैं फूँक मारता हूँ फ़ी ही उसमें यानी उस तैर में उस परिंदे की शक्ल में फ़ैकून तो वो हो जाता है तायरन एक परिंदा यानी वो ज़िंदा परिंदा हो जाता है लेकिन किस तरह भी इदन अल्लाह के हुक्म के साथ अल्लाह की इजाज़त के साथ इधन इजाज़त को कहते हैं ना तो अल्लाह की इजाज़त के साथ वह उबरीऊ और मैं आ, आ, पाक करता हूँ ठीक करता हूँ बरा आ कहते हैं ना किसी चीज़ को आ, बुराई से अच्छाई की तरफ़ लेके जाना जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा की बरात की थी उनको पाक करार दिया था ठीक है ना तो उबरीऊ मैं ठीक कर देता हूँ अल अलअम अंधे को पैदाइशी अंधे को अकमह कहते हैं ठीक है ना अकमह वलअबरोसा बरस बरस से आपको पता है बरस कौन सी बीमारी होती है जिसमें मुँह के ऊपर दाग पड़ जाते हैं वाइट वाइट तो मैं बर बरस वाले को ठीक कर देता हूँ वी और मैं ज़िंदा कर देता हूँ अलमातामाता जो है वो मैत की जमा है अलमैत की जमा है मुर्दे मुर्दों को लेकिन किस तरह बेद अल्लाह के हुक्म से अब अब देखिए कि वो अपने मुजात का जिक्र कर रहे हैं लेकिन बार बार क्या कह रहे हैं अल्लाह के जन से अल्लाह केज़न से वह उनब बि उम नून बा हमज़ा इसका रूट लेटर है और देखें इसके शुरू में भी हमज़ा आ गया ना यतान का तो उनब बि उ मैं ख़बर देता हूँ नबा आ कहते हैं ख़बर को और नबी भी इसी से तो मैं ख़बर देता हूँ कुम तुम सब को बी माँ सात उसके जो तालू ना हमज़ा काफलाम इसका रूट लेटर है तुम खाते हो वाह माँ और जो तदीरू ना तुम जख़ीरा करते हो कैसा इसका रूट लेटर है दाल ख़ौरा ज़ख़ीरा से लेकिन एक बाब में जाकर इसकी शक्ल चेंज हो जाती है सो ये दाल बन गया तदरून तुम जख़ीरा करते हो फ़ी बुत अपने घरों में बुत बैत की जमा है और बा या बीतू कहते हैं रात गुजारने को तो चूँकि घर में मेन जो काम हम करते हैं वो रात गुजारते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए नींद के लिए सुकून के लिए तो इसलिए बैत को बैत कहते हैं तो फी युति अपने घरों में इन्ना बेशक का ये लायतन आयतन एक निशानी है लकुम तुम सब के लिए इनकुन तुम अगर हो तुम मोमिन ईमान लाने वाले बात मान जाने वाले व वा मुद्दन और तस्दीक करने वाला लिमा साथ उसके जो वजह बीना यदैया जो मेरे सामने है यानी मैं तस्दीक करने वाला हूँ वास्ते उसके जो मेरे सामने है किस क्या चीज़ उनके सामने मिनत तौराती, तौरात में से यानी जो अल्लाह के अहकाम तौरात की सूरत में नाजिल हो गए हैं उसका मैं तस्दीक करने वाला हूँ मुसद कौन होता है तस्दीक करने वाला ठीक है वली अला और ताकि मैं हलाल कर दूँ अ हा लाम लाम इसका रूट लेटर है हिल का मतलब होता है गिरा को खोल देना तो जब कोई चीज़ हलाल हो जाती है तो उसकी गिरा खुल जाती है ना हमारे लिए तो वो कह रहे हैं वली वलोल्ला ताकि मैं हलाल कर दूँ लकुम तुम्हारे लिए बात बाजी बात वो चीज़ें हरमा जो हराम कर दी गई हरमाय हर्रम तहरीम किसको कहते हैं हरमत वाली हराम कर दी गई हा औरम इसका रूट लेटर है अलकुम ऊपर तुम्हारे यानी जो चीज़ें तुम्हारे पे हराम कर दी गई हैं वो मैं तुम्हारे लिए हलाल कर दूंगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे व जितुकम मैं आया हूँ लकुम जम मैं आया हूँ तुम्हारे पास बे आयिन सात कायत के मब तुम्हारे रब की तरफ से फ़ल्ला तो तकवा इख्तियार करो अल्लाह का काफ या तकवा का रूट लेटर है ये आपने याद रखना है जहाँ पर भी तत्तको इतकु मतकी मत कोई वर्ड तकवा से होना तो उसका रूट लेटर काफ़िया होगा ये याद करना पड़ेगा आपको कुछ रूट लेटर तो सामने नज़र आ रहे होते हैं और कुछ लेटर जिनमें हरूफ़ इल्लत होते हैं आ, अलिफ वाओ, और या, ये लेटर्स होते हैं तो वो अपनी शक्लें बदलते हैं तो उसके लिए आपको फिर देखना होगा वावकाफिया इसका रूट लेटर है व आतयून और आतयनी देखें आगे लगा ना और मेरी पैरवी करो तो मेरी अतात करो सॉरी पैरवी नहीं मेरी अतात करो और नी का मतलब यहाँ पर जो नून के नीचे ज़ेर लगी है ना इसका मतलब है आगे या ही जो हजफ हुई है मेरी के लिए ठीक है मेरी अतात करो तो वाओ आइन इसका रूट लेटर होता है तो का मतलब होता है कि जब हुक्म दिया जाए तो ख़ुशी के साथ किसी बात को मान लेना अतात का मतलब बात मान जाने के सूरत में होता है ठीक है इलाह बेश्ल तबी मेरा रब है और रबू को मोर तुम्हारा रब है फ अब हू व फिर ओ अबूदू तुम सब के सब इबादत करो हो उसी की यानि अल्लाह की हाद ये शरात रास्ता है शवात राटर है मुस्तीम सीधा मस्तीम क़ाफ वीम से है ठीक है तो मुस्तीम सीधा अच्छा जी अब हम आते हैं अपनी आयत की उसके तरफ एक्सप्लेनेशन की तरफ ईसीम को अल्लाह ने तौरात और इंजील का इल्म दिया था और वो यंग एज में यहूद के साथ बहस किया करते थे उनको बता दिया करते थे कि वो कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं और उनका हाफ़सा इतना तेज़ था क्योंकि सब चीज़ें अल्लाह सुबहाना तौको दी हुई थी और वो उनको तौरात के हवाले दिया करते थे अच्छा ये आप आप कैसे समझे जैसे डॉक्टर याक़िर नायक है ना अल्लाह ला सुन रहम करे वो कैसे बता रहे होते हैं आयत नंबर ये चैप्टर नंबर ये और बाइबल से भी कोट कर रहे होते हैं तौरात की आयतें भी बता रहे होते हैं और क़ुरान की आयतें भी ऐसे बता रहे होते हैं तो इंसान हैरान हो जाता है कि इंसान का हाफजा कितना तेज़ हो सकता है हुँ? तो आप हम नबी के दर्जे को तो कोई नहीं पहुंच सकता उनको तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें याद करा दी तो उनका तो हाफजा ज़बरदस्त होगा ना लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए फिर वो क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाकर भेजा लेकिन किसकी तरफ देखी यहाँ पर क्या लिखा है इला बनी इसराइल ठीक है इसे एक बहुत बड़ा नुक्ता पता चलता है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो अल्लाह ताला कहते हैं काफ़तन्नास सब के सब लोगों के लिए आलमीन अल्लाह की रहमत है तमाम जहान वालों के लिए ठीक है ना लेकिन जब बाकी रसूलों की बात आएगी तो उनकी कौम के अब ज़िक्र आ रहा है हज़रत ईसा सलाम जो थे वो बनी इसराइल के पैगंबर थे ठीक है ना अच्छा और उनकी बातों में भी आपको पता चलता है अगर आप बाइबल में जाएँ तो वो कह रहे होते हैं कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ ठीक है ना तो अन्नी बेश कुम भी आए तुम रबे को मैं तुम तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूँ वो खुद झाती तौर पर एक निशानी थे फिर उनके अपने मौजात बहुत ज़्यादा थे ठीक है तो अब वो उन मौजात का जिक्र करेंगे अन्य अखलक लकोम नकनी कि मैं बनाता हूँ तुम्हारे सामने गीली मट्टी लेते थे उसकी शक्ल बनाते थे एक परिंदे की तरह की फिर उसमें फूंक मारते थे तो वो परिंदा बनकर उड़ जाता था अल्लाह के इज़न से अब ये बात ज़रूरी है कि अल्लाह के इज़न इसमें बहुत ज़रूरी था कोई भी पैगंबर, कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से इस तरह के मौज़े जो आदत होते हैं यानी जैसी दुनिया का रूल अल्लाह तला ने बनाया वह उसके अलावा अगर कोई काम हो रहा था एक मेरेकल के तौर पे, एक मौजे के तौर पे, वो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं कर सकता इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता ठीक है ना ये बात बहुत ज़्यादा समझने की है तो एक पैगंबर भी ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के हुक्म से ये काम कर रहा हूँ और एक मोज़ा दिखा रहा हूँ ताकि तुम ये समझ जाओ कि मैं अल्लाह की तरफ से पैगंबर हूँ और तुम मेरी बात मानो ठीक है ना मोज़े इसलिए होते हैं ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये इंसान अल्लाह की तरफ से वही दिया गया है मदद दी गई है ताकि हम इसकी बातें सुने और माने और इसकी हक बात को समझें इसका यकीन करें इसलिए मोज़ा होता है मोज़ा इसलिए नहीं होता कि लोग आ, आ, उसको उसी बंदे की इबादत करनी शुरू कर दें ईसाइयों ने यही किया ना उन्होंने कहा कि ये तो आ, काम ऐसे कर रहे हैं कि इनको यही खुदा हैं हालांकि असल में बात क्या है कि अल्लाह ताला का जब मोज़ा देता है तो अल्लाह ताला ये बता रहा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ़ से भेजा हुआ ये पैगंबर है इसकी बात मानो ठीक है ना अच्छा फिर क्या करते थे पैदायशी अंधे आपको पता है पैदायशी अंधे कैसे होते हैं उनकी आंखें के अंदर धसी होती है उनकी आँखों के अंदर कोई मतलब रोशनी का शायबा भी नहीं होता धसी हुई आँख में कहाँ से को, को, कोई ही ना हो तो वो जब हाथ फेरते थे तो पैदायशी अंधा भी देखने लग जाता था और कोड़ी और जो बरस वाला होता था वो हील कर जाता था यानी हीलिंग करते थे वो लोगों की मस्क करके टच करके हाथ लगा के और ये भी बहुत बड़ा मौजा था वो अर्शील मऊता बेत नीला और मैं ज़िंदा करता हूँ मुर्दों को अल्लाह के इज़न से कहते हैं कि हज़रत ईसा ने चार मुर्दे जो है ना वो ज़िंदा किए थे लोगों के लिए ताकि वो देखें कि ये अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबर हैं और व उनकुम और मैं बताता हूँ तुमको वो चीज़ जो तुम खा कर आयो अब अगर मैं आपसे पूछू ना कि आपने आज क्या, क्या क्या खाया तो आप कहेंगे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि हम स्नैकिंग कर रहे होते हैं कभी कुछ खा रहे होते हैं कभी कुछ खा रहे थे याद ही नहीं होता तो हजरत ईसा ये बता देते थे कि ये लोग क्या खा कर आए हैं उनको क्या पता होना था कि ये क्या खा कर आए हैं अगर वो कहीं और पर बैठे हुए हैं और लोग आ रहे हैं उनके पास तो वो बता सकते थे कि लोग क्या खाकर आए हैं और उन्होंने अपने स्टोर्स में क्या जखीरा किया हुआ है अपने घरों में क्या जखीरा किया हुआ है हु? तो ये सारे हज़रत मौजे सलाम के थे और वो कहते हैं कि इन चीज़ों में तो बहुत बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान लाने वाले हो अगर तुम बात मान जाने वाले हो देखिए ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अल्लाह के पैगंबर के मौजों को देखकर अल्लाह को पहचानना होता है और अल्लाह ताला की बात मान लेनी होती है और क्या हजरत ईसा ने बताया वह मुसदा बैना यदयिन त वो कहते हैं कि मैं तस्दीक करने वाला हूँ मैं तस्दीक करने वाला हूँ उस चीज़ की जो मेरे सामने है तौरात के बीच में से यानी उनसे पहले तौरात आ चुकी थी और तौरात को वह किया करते थे वल और उसकी तस्दीक करते थे कि हाँ ये अल्लाह ताला की किताब है वलकूम बामकम और ताकि मैं हलाल करूँ तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें जो हराम कर दी गई हैं तुम्हारे ऊपर आपको जैसा कि पता है कि ज्यूज़ ने इतनी ज़्यादा ट्रांसक्रेशन की थी इतना ज़्यादा जुल्म किया था और इतनी हदें तोड़ी थी कि अल्लाह अल्ला सुबह तूरतनिससा में फ़रमाया फ़ब्ल मिनदी हादु हर्रम ना इनतम के उनके जुल्म की वजह से उन लोगों की जिन्होंने जो यहूदी हुए हमने हराम कर दी उनके ऊपर तो ये बात जो कि हलाल की की गई थी उनके लिए सो so, कुछ ऐसे खाने जो हलाल थे लेकिन उनके जुल्म की वजह से उन पर हराम कर दिए गए थे एक तो ये कि अल्लाह ही की तरफ से हराम कर दिए गए थे और दूसरा कुछ इन इनके ने इतनी ज़िंदगी तंग कर दी थी कि उनके थ्रू इनके ऊपर चीज़ें हराम हो गई थी जैसे इन्होंने कहा था कि हज़रतकूब आलम चूंकि ऊँट का गोश्त नहीं खाते थे उनको सूट नहीं करता था पर्सनल उनकी चॉइस थी लेकिन इन्होंने इनके ने कहा कि कोई भी ऊँट का गोश्त नहीं खाएगा उनके लिए हराम है तो कुछ अल्लाह सुबहानो तैाली की तरफ से किस तरह हराम हुई और कुछ किस तरह हराम हुई लेकिन इनके ऊपर रोक टोक लग गई और इनका दीन इनके ऊपर ऊपर टाइट हो गया और क्या कहते हैं कि फिर मैं अब आया हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए वही चीज़ें हलाल कर दूं अब तो बात मान जाओ जब बात मानोगे सबमिट करोगे अल्लाह तला के आगे झुकोगे तो आसानियां आ जाएंगी और क्या वजह तो कुुम ब्यात मब्बिक मौर मैं आया हूँ एक निशानी के साथ तुम्हारे रब की तरफ से फतल्ला बस अल्लाह तला से डरो अल्लाह ताली से डरो व आक़ी और और तुम मेरी अताात करो इन रब्बी व रब्बुकुम बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है अब यहाँ पर आके क्या बात पता चल रही है कब ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि मैं रब रबूँ मैं खुदा खुदाऊँ मैं इलाह इलाहाँ कहीं पर भी नहीं ना बाइबल में ना कहीं और चीज़ में और अल्लाह सुबहान कुरान को मुहैमिन बनाकर भेजा है ये हिफाजत करता है असल अक़ीदे की और ये छांट के रख देता है उन गलत अकीदों को जो लोगों ने अपनी तरफ़ से दीन इस्लाम में डाले हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगम्बरों का दीन इस्लाम था और वो इस्लाम ही लेकर आए थे और वो मुसलमान ही थे लेकिन उन्होंने अपने अपने नाम बदल लिए और अपने ख़ास नाम रख लिए जैसे आप अब मुसलमानों के मुल्क में जाते हैं तो क्या नाम है हम हनफी हैं हम मालकी हैं हम शाफी हैं नहीं जी आप मुसलमान हैं हुआ मिन कबल व फी हादा अल्लाह तला ने तो आपका नाम मुसलमान ही रखा था इससे पहले भी और अब भी तो इन अल्लाह रबी व रब ईसा कहते हैं बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है मैं भी उसका बंदा हूँ तुम भी उसके बंदे हो मैं भी उसका मोहताज हूँ तुम भी उसके मोहताज हो रब ही पालने वाला होता है खालिक मालिक मुदब्बर होता है और ईसा आल्लाम ये कह रहे हैं कि वो मेरा खालिक मालिक और मदब्बिर है फाबदू हो तो उसी की इबादत करो हादा औरत तो मस्तीम ये तो सीधा रास्ता है और सीधा रास्ता मेरी प्यारी बहनों हमेशा आसान होता है टेढ़े मेढ़े रास्ते हमेशा मुश्किल क्रिएट करते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जब इंसान अल्लाह के दीन के बीच में अपनी बातें डाल देता है तो वो उस रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है और लोगों को समझ नहीं आती अगर आप क्रिश्चन से जाके जूस से जाके पूछें कि उनका दीन क्या है तो वो बहुत मुश्किल बताएंगे बहुत मुश्किल है उनको ख़ुद भी नहीं समझ आती कि अपने दीन को एक्सप्लेन कैसे करें लेकिन जब आप इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो ऐसे जैसे दिल के अंदर सुकून आ जाता है इतमान आ जाता है हर चीज़ का जवाब है हर चीज़ के सीधी सीधी एक्सप्लनेशन है बात समझ आ जाती है तो हाद शुरतुलमस्तीम ये सीधा रास्ता है अपने लिए दुआ किया करें और सबके लिए लिए एहदिन शुरस्तीम या हम सबको सीधा रास्ता दिखा दें ارحم مالي يا ابن دين فرجنا أساء يامين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله